ये रोड जाम किया है यूपी सरकार की तानाशाही अहंकार, जो कल चौधरी साहब पर बरबर लाठी चार्ज हुआ है उसके विरोध में मोदी का पुतला फूंका है, योगी का पुतला फूंका है। और हमने ये बता दिया कि आने वाले समय में मोदी योगी की सरकार नहीं आएगी और ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। जो किसानों के विरोध करेगी, किसानों के नेताओं पर लाठी चलाएगी, उसका अंत स्वतः अंत होना निश्चित है। कल हाथरस में चौधरी जयंत जी के ऊपर जो पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हमला किया है, लाठी चार्ज की है, उसके विरोध में आरएलडी ने यहाँ रोड जाम किया है, धरना दिया है और आगे के आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साथ साथ केवल इनकी नीतियों के खिलाफ में, विशेष खासकर तो यही है कि जयंत चौधरी के ऊपर इन्होंने लाठी चार्ज करवाई। दूसरी बात यह है कि जो हाथरस की बिटिया का मामला जो चल रहा है उसके संबंध में सब आरएलडी और सभी कार्यकर्ता क्षेत्रवासी भी यही चाहते हैं कि पूर्व रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके माध्यम से ये जांच होनी चाहिए। क्या मांग रखी गई है आपको? मांग तो यही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ है हाथरस कांड में उसमें किस किस को दोषी बताएं, अभी जब तक जांच का कोई परिणाम नहीं आता उससे पहले तो कुछ कहना ठीक नहीं। प्रशासन के ऊपर तो भरोसा करना मुमकिन नहीं। ये कल की जो घटना है हाथरस की, हाथरस में एक मजदूर की बेटी को पहले तो बेरहमी से मारा गया, उसके बाद में फिर उसकी रात में पुलिस प्रशासन ने आदरणीय योगी जी के कहने पर उनकी सरकार के नेतृत्व में उसको जला दिया गया। वहां जब उसका दुख बांटने के लिए आदरणीय चौधरी जयंत जी, किसानों के मसीहा, किसानों के युवा धड़कन, वो जब वहाँ गए तो उनको पहले तो प्यार से अंदर कर लिया गया, उसके बाद में बेरहमी से उन पर इस तरीके से अत्याचार किया कि उन पर लाठियाँ इतनी बरसाई कि शायद हो सकता है कि उसमें एक आध दो चार कार्यकर्ता तो इतनी भयंकर घायल हैं कि उनको अपनी जान के भी लाले पड़ गए। और ये इस तरीके की घटना शायद मुझे लगता है कि या तो द्वापर में हुआ था महाभारत में, उसको अभिमन्यु को अकेला घेर करके मारा सारे अत्याचारियों ने, या फिर आदरणीय जयंत जी को, किसानों के मसीहा को मारा है। हम इसी को लेकर के आज इसमें यहाँ बैठे हैं। हमारी मांग यह है कि जो कल हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार में हमको न्याय मिलना चाहिए और ये योगी सरकार में उनको इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।